पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म की थी रेजोनेंस। हमने ये देखा कि अगर LCR सीरीज में है, LCR सीरीज में है, तो करंट का फॉर्मूला E अपॉन Z है। LCR सीरीज में Z का फॉर्मूला हमें पता है, R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये Z का फॉर्मूला है। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि LCR में सीरीज में करंट प्लॉट किया जाए, तो करंट आपके सामने ऐसे पीक वैल्यू अचीव करता है, कब? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस क्या बताया था? व्हेन XL इज इक्वल टू क्या है? XC, तो ओमेगा की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC और फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई रूट LC, ये डिस्कस किया था। अगर वर्ड रेजोनेंस आ जाए तो याद रखना XL किसके इक्वल है? XC, ये याद रखना। चाहे तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें प्लीज़, ये बार बार यूज होने वाली टर्म है, तो लिख लें फॉर्मूला बुकलेट में कि एट रेजोनेंस, ठीक, एट रेजोनेंस इन सीरीज LCR XL इज इक्वल टू XC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये टर्म है ओमेगा आर और एफ ऑफ आर का, ठीक है यहाँ तक? तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है Z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, पर एट रेजोनेंस Z किसके इक्वल है? R के इक्वल है। जो करंट है वो क्या होता है? E बाय Z, क्योंकि Z रेजोनेंस पे क्या होता है? मिनिमम। अगर Z की वैल्यू मिनिमम है तो करंट क्या आएगा? मैक्सिमम। ये ना टर्म्स याद रखना, किसी न्यूमेरिकल में वो बोल देगा रेजोनेंस, किसी न्यूमेरिकल में कहेगा कि Z की वैल्यू R के इक्वल है, मिनिमम है, किसी में कहेगा करंट मैक्सिमम है LCR में। तो अगर उसने ये भी बोल दिया LCR में करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब कंडीशन रेजोनेंस की लगी हुई है। तो ये सारी कंडीशन में कुछ भी एक हिंट देगा जिससे ये पता लगेगा कि रेजोनेंस की कंडीशन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है। ये मैंने आपको करवाया था, इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, ये भी बताया था रेडियोज में कैसे काम करते हैं। क्यों फैक्टर करवाया था? कि क्वालिटी, अगर जितनी पीक ऊपर होगी क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये बताया था कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट होगा, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लेफ्ट और राइट पे दो और फ्रिक्वेंसीज होंगी जब करंट 1/√2 टाइम मैक्सिमम होगा, और इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो क्यू वैल्यू की डेफिनेशन कराई थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ को क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो अभी इसके बेस पे 92 नंबर शीट में LCR के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद होगा। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे जिसमें टर्म रेजोनेंस यूज हो रही थी, तो क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 42, पहला क्वेश्चन है LCR का जिसमें वर्ड रेजोनेंस यूज हो रहा है, इसको पढ़ें।
देखो क्वेश्चन है कि एलसीआर सर्किट है विद एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है. एलसीआर सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट पे, वो कहते हैं कैलकुलेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 वोल्ट, यानी कि क्या गिवन है, ई आरएमएस. कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस. तो पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ एल सी. एल पता है, सी पता है, आंसर. तो पहला पार्ट क्लियर है, ठीक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. दूसरा करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अब आपको इस क्वेश्चन में वी आर एम एस तो पता है, तो करंट क्या होगा, वी आर एम एस बाई जेड. अब क्योंकि रेजोनेंस है इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस में एक्स एल एक्स सी के इक्वल होते हैं और जेड किसके इक्वल हो जाते हैं, आर के, सिर्फ आर के, क्योंकि एक्स एल एक्स सी को क्या कर जाता है, कैंसल इंपेडेंस में. तो वी आर एम एस बाई जेड यानी कि 6 एम्पियर, ठीक हो गया, ये भी क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन है आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस. पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है कैपेसिटेंस में एट रेजोनेंस. अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, वी का आई इंटू आर, आई इंटू एक्स सी. आई तो आई आर एम एस है, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, उसने बोला एट रेजोनेंस, तो ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा आर, क्योंकि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आपको एक्स सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ओमेगा आर आएगा. ओमेगा आर फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सी पता है, आई आर एम एस ऑलरेडी हमारे पास है आंसर. मेथड समझ में आ रहा है कि एट रेजोनेंस वर्ड का मतलब क्या है, कि ओमेगा ओमेगा आर के साथ कैलकुलेशन होगा, ठीक. नेक्स्ट इसमें ये हमने कर लिया होगा, फिर कैलकुलेट कैपेसिटी, हाँ ये वाला 44. देखो रेजोनेंस का कैसे यूज है इसमें, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स एंड कॉइल ऑफ इंडक्टेंस गिवन. तो आर गिवन है, एल गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड पुट अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है और साथ में ई आर एम एस गिवन है और एफ गिवन है. कैपेसिटेंस निकालनी है सो दैट सर्किट रेजोनेट्स. तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कह रहे हैं रेजोनेट्स, इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का F50 रेजोनेंस है. तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, स्क्वेयरिंग करके सी निकाल लिया आंसर. पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस. तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट निकालना है रेजिस्टर में. तो रेजिस्टर में करंट क्या होगा, ई आर एम एस बाई आर आंसर. और वोल्टेज किसमें निकालनी है, कैपेसिटर में एट रेजोनेंस. अब एक बात बताओ कि रेजिस्टर में करंट निकाला, अब एल सी आर तो सीरीज में है, सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, तो कायदे से हमें करना चाहिए था ई आर एम एस बाई जेड, क्योंकि एल सी आर जब सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या काउंट होगी, जेड. पर हमने यहाँ पर क्या पुट किया, आर, क्योंकि कंडीशन किसकी लगी हुई है, रेजोनेंस की. तो जेड और आर एक ही बात है.
फिर उसके बाद वीसी निकालने रेजोनेंस पे आईआरएमएस इनटू एक्ससी, लेकिन एक्ससी में 1 बाय सी ओमेगा में जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी वो रेजोनेंस की। अब 50 हर्ट्ज जो क्वेश्चन में गिवन है वो ऑलरेडी कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो 50 पुट करके आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहां पर? ठीक, ये रहा 46। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ गिवन, इतने मीटर का लैम्डा गिवन है। रेडियो वेव ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, याद रखना है। तो अगर लैम्डा गिवन है तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा से क्या आएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। कह रहे इतनी फ्रिक्वेंसी है, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर सी गिवन है, कैलकुलेट इंडक्टेंस एल निकाल लें एट रेजोनेंस भी। फिर रेजोनेंस वर्ड यूज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, 1/2 π√LC। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको एल निकालना है, स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग करके एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, कैपेसिटर हमें पता है आंसर। तो इसका आंसर आ गया 48th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 μF कैपेसिटेंस सी पता है, आर पता है, एल पता है, सीरीज में है। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर विच करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज
मैक्सिमम, देखो उसने रेजोनेंस वर्ड नहीं यूज किया, उसने कहा करंट मैक्सिमम है। अब देखो जिसको पता है करंट मैक्स कब होगा एलसीआर में, जब रेजोनेंस है। तो क्या निकालना है क्या इसमें, व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या होगी, 1/2 pi root LC आंसर। तो फ्रीक्वेंसी आ गई रेजोनेंस पे, सीधा फॉर्मूला रेजोनेंस का आ गया। नेक्स्ट है इसके अंदर, इफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ सोर्स इज गिवन, ई नॉट गिवन, फाइंड फॉर मैक्सिमम करंट, फिर से वर्ड मैक्सिमम करंट, यानी कि सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं ये एज्यूम करते हुए कि रेजोनेंस है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है सारे पार्ट्स में, 39.8। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इंडक्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL और XC यूज करना है, लेकिन ओमेगा या फ्रीक्वेंसी क्या यूज करनी है उसमें, ये यूज करनी है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट टोटल इंपीडेंस, इंपीडेंस का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन XL और XC में जो ओमेगा यूज करना है वो यहाँ से आएगा या फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगी। नेक्स्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट। अब अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो पीक वैल्यू टोटल इंपीडेंस में उसको करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, क्योंकि इंपीडेंस तो आर के इक्वली होगी क्योंकि रेजोनेंस हुआ हुआ है। तो सॉल्व क्या करना है, XL XC को कैंसिल ही करने वाला है इसमें, तो आंसर एक मिनट में आ गया। तो इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो ई नॉट बाई जेड, अब जेड तो आर के इक्वल है तो ई नॉट क्वेश्चन में गिवन है तो आई नॉट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर। अब याद करो LCR सर्किट, LCR सर्किट में VR इधर है, VL इधर था और VC नीचे था। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि ये आपके पास क्या है, V ऑफ R है, ये आपके पास V ऑफ L है और ये आपके पास V ऑफ C है। तो इंडक्टर और रेजिस्टर की वोल्टेज में एंगल में फर्क क्या है, फेज कितने है 90। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 180। तो दोनों वोल्टेज 180 पे हैं तो इंडक्टर और कैपेसिटर में 180 है, राइट। तो यही आंसर है 180 लास्ट का। तो ये आपके क्वेश्चन है रेजोनेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में रेजोनेंस के ऊपर NCERT या कहीं पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, NCERT में तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बेस पे जो सब्जेक्टिव शीट है वो आपने होमवर्क करनी है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 59, सब्जेक्टिव शीट नंबर 59, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, रेजोनेंस। तो इसमें सारे LCR है ही LCR लेकिन ऑन रेजोनेंस, रेजोनेंस के ऊपर काम करेगा। तो ये पक्का करके आ गए आपने नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट शीट है।